सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर लाड यूट्यूबर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं भरतेश लाड, मिस्टर लाड यूट्यूबर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इलेक्ट्रिकल बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, ये मेरे पास 3+3 का इलेक्ट्रिकल बोर्ड है। इसके ऊपर मैंने 3 सॉकेट और 3 स्विच जो है असेंबल कर दिए हैं ताकि आपका टाइम बच सके कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका हम कनेक्शन कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही इसको असेंबल जो है करके रखा है। यहाँ पे 3 स्विच और 3 सॉकेट, तो इसका हम अभी वायरिंग करेंगे। इसको कैसे कनेक्शन देना है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड वाले बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल के ऊपर मिलते रहें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम अपना बोर्ड का वायरिंग जो है चालू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी स्विच जो है स्विच और सॉकेट जो है हमने बोर्ड को बिठा दिया है। ठीक है, तो अब हम इसका कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ वायर के टुकड़े जो है पहले से कट करके रखे हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे ये बोर्ड को कनेक्शन देने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे येलो जो यूज़ करेंगे वो फेस यानी कि लाइन के लिए, और ये ब्लू वाला जो है वो हम यूज़ करेंगे न्यूट्रल के लिए, और ये रेड वाला जो है दो ये हम अर्थिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फेज लाइन जो है कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार पहले ये सभी कनेक्शन कर देता हूँ, फिर आपको एक बार जो है समझाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम हमें एक ध्यान में रखना है कि लाइन यानी कि फेज जो है हमेशा सॉकेट के लेफ्ट साइड में आता है यानी आपके राइट साइड में। ठीक है, हमेशा लाइन जो है आपके राइट साइड में ही आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ऊपर एल यानी कि लाइन फेज और एन यानी कि न्यूट्रल इसके ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसे वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम फेज का वायरिंग जो है करेंगे। ठीक है, ये जो है दोस्तों हमारा फेज जो है बाहर से आने वाला है। ठीक है, बोर्ड में हम तीनों स्विच को है जो पहले फेज देते हैं, फिर मैं आपको लास्ट एक बार समझाऊंगा दोस्तों पूरा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने हमारे फेज लाइन को जो है कनेक्ट कर दिया है, ये हमारे पहले स्विच को, वहाँ से दूसरे स्विच को और वहाँ से तीसरे स्विच को। ठीक है, तो अब हम अपने सॉकेट के जो है फेज लाइन देने वाले हैं। ठीक है, आपको एक ध्यान में रखना है दोस्तों, लाइन जो है हमेशा अपने राइट साइड में ही होना चाहिए। ठीक है,
कुछ इसी तरह से हम ये दोनों सॉकेट को भी फेस कनेक्शन देंगे, यानी लाइन तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपना फेस जो है कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम अपने न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सॉकेट के ऊपर N लिखा हुआ है, तो इसको हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। ये जो है दोस्तों हमारा बाहर से न्यूट्रल आने वाला है। और यहाँ से हमारा न्यूट्रल तीनों सॉकेट को जो है हम कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा न्यूट्रल भी कनेक्शन हमने दे दिया है। ठीक है, तो अब हम अपना अर्थिंग जो है उसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ऊपर आप सॉकेट को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल भी आपको दिया गया है। इसको हमें अर्थिंग जो है तीनों सॉकेट को देना है। ठीक है, और ये हमारा बाहर से जो है अर्थिंग आने वाला है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। मैं और एक बार आपको पूरा जो है दोस्तों समझा दूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है,
तो हमारा बोर्ड का कनेक्शन जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग तीनों वायर जो है बोर्ड से बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, तो अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे हमारा करंट जो है फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा बोर्ड का कनेक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। कुछ इस तरह से जो है आपको वायरिंग करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग तीनों वायर जो है बोर्ड से बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेड वाला जो है अर्थिंग है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉकेट के ऊपर आपको अर्थिंग का एक सिंबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हमें अर्थिंग देना है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थिंग हुआ। अर्थिंग यहाँ से होते हुए ए वायर से इस सॉकेट को आएगा, ए सॉकेट से होते हुए दूसरे सॉकेट को जाएगा और दूसरे सॉकेट से होते हुए तीसरे सॉकेट को जाएगा। ठीक है, तो हमारे तीनों सॉकेट को जो है अर्थिंग मिल गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे येलो वायर जो है फेस के लिए यूज़ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमारा यहाँ पे एक स्विच है, हमारा बाहर से जो फेज है यानी लाइन इस स्विच को आएगा। ठीक है, इस स्विच से होते हुए दूसरे स्विच को भी जाएगा और यहाँ से तीसरे को भी जाएगा। ठीक है, यानी हमारी लाइन जो है तीनों स्विच में कनेक्ट हो गई है। ठीक है, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट जो है नीचे उतरेगा और जो सॉकेट का हम स्विच दबाएंगे वो सॉकेट में चला जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर हम ए स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट नीचे उतरेगा और यहाँ से होते हुए हमारे सॉकेट में जाएगा राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में जाएगा क्योंकि फेज यानी लाइन जो है दोस्तों हमेशा हमारे राइट साइड में ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सॉकेट के ऊपर एल का निशान भी दिया गया है यानी कि लाइन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एन यानी कि न्यूट्रल। ठीक है, तो हमारा अगर मैं ए स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ से करंट होते हुए इस स्विच से इस सॉकेट में आएगा। ठीक है, कुछ इसी तरह से अगर मैं ए स्विच ऑन करता हूँ तो करंट यहाँ से नीचे उतरेगा और ये दूसरे वाले स्विच में आएगा, यह सॉकेट में आएगा। ठीक है, कुछ इसी तरह से अगर मैं ये तीसरा सॉकेट भी ऑन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे को इस स्विच को ऑन करना है, यहाँ से करंट नीचे उतरेगा और ये येलो वायर से होते हुए सॉकेट के राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लाइन हुआ फेज। ठीक है, और ये तीसरा जो ब्लू वायर है ये है न्यूट्रल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सॉकेट को जो है न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से होते हुए दूसरे सॉकेट को भी हमारा न्यूट्रल आएगा और वहाँ से होते हुए तीसरे सॉकेट को भी हमारे न्यूट्रल आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है दोस्तों ये बोर्ड जो है वर्क करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मेरे चैनल के ऊपर आपको वैसे ही नई नई जानकारी मिलती रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।